अरे वाह कालू जी आज आप मेरे लिए पिज्ज़ा लेकर आए हैं हाँ मुझे पिज्ज़ा बहुत पसंद है इसीलिए मैं तुम्हारे लिए और अपने लिए आज ये पिज्ज़ा लेकर आया हूँ कालू कौवा अमीर था और रोजाना रानी कवि और अपने लिए बाहर से भोजन ले आता था ताकि रानी कवि को घर में कोई काम न करना पड़े और बताओ रानी कवि कैसा है कालू कौवा और कैसी चल रही है तुम्हारी जिंदगी अरे कोमल चिड़िया कालू जी तो बहुत ज्यादा अच्छे हैं मुझसे एक काम नहीं करवाते रोजाना बाहर से ही भोजन ले आते हैं और काम से वापस आकर कालू जी खुद ही घर की सारी साफ सफाई कर लेते हैं हाय है रे रानी कवि तुम तो बहुत बड़ी कामचोर हो ये तो तुम कालू कवि का पर बहुत जुल्म कर रही हो दुष्को चिड़िया चेड़िया काम चोर मत कहना मुझे चलो निकलो यहाँ से, जाकर अपने पति और अपने बच्चों की सेवा करो बड़ी आई मुझे सिखाने अरे हाँ हाँ जा रही हूँ जा रही हूँ वैसे भी तुम्हारी इतनी लंबी जबान के आगे कोई नहीं जी सकता मुझे माफ करो फिर कोमल चेड़िया वहाँ से चली जाती है कहाँ थी रानी मैं तुम्हें कब से आवाज़ दे रहा था तुम्हे पता है कल मेरी माँ आ रही है और तुम तो जानती हो कि माँ को बाहर का भोजन बिल्कुल नहीं पसंद इसीलिए तुम घर पर ही उनके लिए भोजन बना देना हाँ हाँ बना दूंगी कालू जी उनके लिए भोजन वैसे भी कितने दिनों बाद आ रही हैं वो अगले दिन कवे की माँ जी अपना काफी सारा सामान लेकर घर पर आ जाती है बाप रे मेरा बेटा कितना दुबला हो गया अरे बहू क्या कुछ खाने को नहीं देती इसे क्या माँ जी मैं तो बिल्कुल वैसा ही हूँ जैसा आप मुझे छोड़ कर थी अच्छा अब आप बहुत थक गई होगी ना थोड़ा आराम कर लो माँ जी मैंने आपके लिए गर्मा गर्म भोजन बिल्कुल तैयार रखा है मैं बस अभी लेकर आई रानी कवि सबको भोजन परोसती है और सब मिलकर भोजन खाते हैं। <laughs> क्या हुआ माँ जी माँ जी अरे नहीं कालू इसमें तो नमक बहुत ज्यादा है इसे खाकर तो <laughs> मेरी तबीयत खराब हो जाएगी क्या रानी कम से कम भोजन तो बनाना सीख लेती तुम कालू बहू को क्यों डांट रहे हो आहिस्ता आहिस्ता सब सीख जाएगी इसमें इसकी कोई गलती नहीं रानी आज से बाहर से भोजन नहीं आएगा तुम रोजाना घर में ही भोजन बनाकर मुझे और माँ को खिलाना ताकि तुम्हें स्वादिष्ट भोजन बनाना आ जाए माँ के आने से तो रानी कवि के ऊपर काफी काम आ गया था सब समझ रही हूँ मैं अपने बेटे के सामने ये बुढ़िया बहुत इतरा रही है ना कल से इसे बताती हूँ कि मैं हूँ क्या चीज मेरे ही घर में आकर मुझे ही नौकर बनाना चाहती है चलाक बुढ़िया इसे तो मैं कल बताती हूँ दोस्तों क्या आप सब ने इस कहानी को अभी तक लाइक नहीं किया तो जल्दी से कर लें क्योंकि ये कहानी आगे और भी इंटरेस्टिंग होने वाली है अगले दिन कालू कौवा नाश्ता करके अपने काम पर चला जाता है अरे बहू सरा एक गिलास पानी तो पिला दो मेरा गला सूख रहा है इसे पानी चाहिए ना अभी बताती हूँ इस बुढ़िया को एक गिलास में दानी कौवी पानी लेकर आती है और उस गिलास का सारा पानी वे माझी पर फेंक देती है बहू ये क्या मुझ पर क्यों पानी डाल दिया मैंने तो सिर्फ पानी पीने के लिए मांगा था बहुत पानी पीना था ना तुम्हें तो तु पिला दिया मैं कोई तुम्हारी नौकरानी नहीं हूँ जो तुम्हारी सेवा करती रहूँ मेरा नाम रानी है और मैं सिर्फ राज करने के लिए बनी हूँ ओए बुढ़िया मैं तुम्हें अच्छे से जानती हूँ तुम मुझे यहाँ पर परेशान करने आई हो ना अपना इतना सारा सामान लेकर बहू ये कैसी बातें कर रही है तू मैंने तो सिर्फ तुझसे पानी मांगा था अतू ने मुझे इतनी बातें सुना दी कोई पानी वानी नहीं है मेरे पास चलो निकलो मेरे घर से मुझे सुकून चाहिए सुकून जाओ यहाँ से शाम में आना अब रानी कवि बिचारी बूढ़ी कवि को अपने घर से निकाल देती है तपती धूप में कालू कवि की माँ जी बहुत ही रो रही थी हाय रे ये माँ जी कौन है और ये ऐसे धूप में बैठ कर क्यूँ रो रही है माझी कौन हो आप और आप यहाँ धूप में बैठ कर क्यूँ रो रही हो क्या हुआ है आपके साथ मैं कालू की माँ हूँ कल ही अपने बेटे के घर पर आई थी पर मेरी बहू ने आज मुझे घर से निकाल दिया और मुझे भोजन भी नहीं दिया मैंने तो कुछ किया भी नहीं था बस पानी मांगा था उससे तो उसने गुस्से में आकर सारा पानी मुझ पर फेंक दिया और मुझे घर से भी निकाल दिया ये तो आपके साथ बहुत बुरा किया उसने रानी कवि को ऐसा नहीं करना चाहिए था अच्छा जी अभी आप मेरे साथ मेरे घर पर चले मीनू चिड़िया को माझी आरोप तरस आता है और वे उसे अपने साथ घर पर ले आती है माँ जी वैसे तो मैं बहुत गरीब हूँ परंतु बड़े बूढ़ों और मेहमानों का मैं बहुत अदब करती हूँ आप बस मुझे थोड़ा सा समय दें, मैं आपके लिए गरम-गरम भोजन बना कर लाती हूँ मीनू चिड़िया का ये रवैया देखकर कर की माँ जी तो बहुत ज्यादा खुश होती है शाम होते ही रानी कोवी अपनी सास को अपने घर पर ले आती ताकि कालूकावे को इस बात का पता न लगे और बस रोज की तरह कालू कवि के काम पर जाते ही रानी कवि तो अपनी सास से घर का सारा काम करवाती थी बहू बेटा मैंने घर का सारा काम कर लिया भोजन भी बना दिया है और घर की साफ सफाई भी कर दी है पर अब मुझे भूख लग रही है मैं भोजन खा लूं? कोई जरूरत नहीं है भोजन खाने की वो जो तुमने भोजन बनाया है वो मैं और कालू जी खाएंगे और हाँ अब से रोज भोजन तुम ही बनाओगी क्योंकि भोजन बनाना मुझे नहीं आता बहू बेटा मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुम मेरे साथ ऐसा कर रही हो याद रखना अगर तुम मेरे साथ ऐसा ही करती रही तो मैं अपने बेटे कालू को सारी बात बता दूंगी फिर वे तुम्हारे साथ जो कुछ करेगा उसकी जिम्मेदार तुम खुद होगी क्या मुझे धमकी दे रही है जिसे बताना ही बता मैं नहीं डरती किसी से बहुत ज्यादा जबान चलने लगी है ना तुम्हारी चलो घर से बाहर निकलो और जाकर धूप में बैठो जब शाम होगी तो कालू जी के साथ आ जाना घर पर। इस तरह रानी कौवी आज भी अपनी सास को घर से बाहर निकाल देती है और वे बूढ़ी कौवी आज भी मीनू चिड़िया के पास चली जाती है मुझे तो डर है कि कहीं ये चलाक बुढ़िया कालू जी को सारी बातें न बता दे अगर कालू जी को ये बात पता लग गई तो मेरी तो खैर नहीं फिर कालू जी मुझे मार मार कर घर से निकाल देंगे इस बुढ़िया का तो मुझे कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा अब फिर रानी कवि को एक बहुत बढ़िया उपाय मिल जाता है उपाय के मुताबिक रानी कवि अपने पेड़ की टहनी पर काफी सारा तेल गिरा देती है अब जब शाम को कालू जी के आने से पहले मैं बुढ़िया घर के अंदर आने लगेगी तो वो फिसल कर नीचे गिर जाएगी और मर जाएगी फिर मेरी उससे जान छूट जाएगी कालू जी अगर मुझसे पूछेंगे कि कैसे गिरी तो कह दूंगी कि शायद तुम्हारी माँ को चक्कर आ गए होंगे और वे पेड़ से नीचे गिर गयी फिर शाम हो जाती है कालू कवि की माँ के आने से पहले आज रानी कवि की माँ जी उसके घर की तरफ आती है बस जैसे ही रानी कवि की माँ उस टहनी पर आकर बैठती है तो उसका पाव फिसलता है और वे नीचे गिर जाती है मर गई, मर गई मैं। हाय रे, मेरी तो कमर ही टूट गई। अपनी माँ की ये आवाज़ सुनकर वहाँ पर फौरन से रानी कवि आती है और वे तो ये देखकर काफी ज्यादा परेशान हो जाती है अरे माँ तुम तुम कैसे आ गई आज मेरे घर की तरफ तभी का भी ये देख कर वहाँ पर आता है क्या बताऊँ रानी मेरी बहू ने मेरा जीना हराम करके रखा है घर के सारे काम मुझसे करवाती है और भोजन भी मैं ही बनाती हूँ भोजन बनाने के बाद वो मुझे भोजन भी नहीं देती इसीलिए आज मैं सब कुछ छोड़ छोड़ कर तेरे पास आ रही थी मैं जैसे ही तेरे घर के पास जो टहनी है उस पर आकर बैठी तो मैं फिसल कर नीचे गिर गई। लगता है उस टहनी पर किसी ने तेल गिराया हुआ है क्या तेल पर वहाँ पर तेल कैसे आया ये सुनकर रानी कोवि बहुत शर्मिंदा होती है और अपनी गलती पर बहुत पछताती है वो तेल मैंने ही गिराया था कालू जी ताकि आपकी माँ जी जैसे ही उस टहनी पर आकर बैठे तो नीचे गिर जाएं। परंतु मुझे क्या पता था कि यह सब कुछ मेरी अपनी माँ के साथ हो जाएगा मैं समझ गई हूँ कालू जी कि जैसा मैं आपकी माँ जी के साथ करती थी वही सब कुछ मेरी माँ जी के साथ भी हो रहा है इस तरह रानी भी कालू कावे को सारी बात बताती है बहुत ही अच्छी सीख मिली है तुम्हें रानी तुम्हारे साथ ऐसा ही होना था पर कालू जी आप मुझे माफ़ कर दें मुझे आपने इस किए पर बहुत पछतावा है मैं आगे से ऐसा कभी नहीं करूंगी माफ़ी मुझसे नहीं बल्कि मेरी माँ से मांगना जिनके साथ तुम इतना गलत कर रही थी फिर कालू कौवा का वापस अपनी माँ को अपने घर में लेकर आता है और रानी कवी तो हाथ जोड़कर अपनी सास से माफ़ी मांगती है इस तरह अब सब कुछ ठीक हो जाता है पक्षियों हमारे जंगल में तो भोजन का कहत पड़ गया है कहीं पर भी एक दाना भोजन नहीं मिल रहा मैं तो बहुत भूखा हूँ बहुत भूख लग रही है मुझे तो हाँ कालुकावी हम सब पक्षी भी बहुत भूखे हैं और ऊपर से हमारे जंगल में बारिशें भी नहीं हो रही जिस कारण हमारी फसलें भी नहीं लगी इस बार तो मीनू चिड़िया मुझसे तो और भूख बर्दाश्त नहीं होती मैं तो जा रहा हूँ भोजन ढूंढने मैं तो कहता हूँ तुम सब भी मेरे साथ चलो हम एक बार और कोशिश करते हैं क्या पता हमें जंगल में कहीं भोजन मिल जाए हाँ ठीक है कालू कालुकावे चलो हम भी तुम्हारे साथ चलते हैं फिर सारे पक्षी दोबारा से भोजन की तलाश में निकल जाते हैं। कालू कवे का को तो काफी ही ज्यादा भूख लग रही थी जिस कारण वे तो काफी ही ज्यादा परेशान था फिर अचानक कालू कवे का को जमीन पर एक मांस का टुकड़ा पड़ा हुआ दिखता है ये तो मांस का टुकड़ा है काश अगर यहाँ पर इसकी जगह मीठे मीठे आम पड़े होते तो मैं वे आम खाकर अपना पेट भर लेता अब मैं कोई चील तो हूँ नहीं जो मैं ये मांस खाकर अपना पेट भर लूँ मैं क्या करूं मुझसे तो अब भोजन भी नहीं ढूंढा जा रहा एक काम करता हूं ये मांस ही खा लेता हूं चीले भी तो खाती है ना कम से कम मांस खाकर मेरा पेट तो भर जाएगा फिर कालू कौवा का अपनी भूख मिटाने के लिए वे मांस ही खाने लगता है वे मांस तो कालू कौवे का को इतना पसंद आता है कि कालू कौवा का वे मांस खाता ही रहता है वाह वाह ये मांस तो काफी ज्यादा स्वादिष्ट है हम जो भोजन खाते हैं उससे तो काफी ज्यादा अच्छा है ये मांस अब पता चला कि ये चीलें हम पक्षियों का मांस क्यों खाती हैं क्योंकि ये मांस तो इतना ज्यादा स्वादिष्ट होता है कालू कवि को मांस खाता हुआ देख वहाँ पर जंगल के और पक्षी भी आ जाते हैं अरे कालू कवि मैं ये क्या देख रही हूँ तुम ये मांस क्यों खा रहे हो मीनू चिड़िया ये मांस है बहुत स्वादिष्ट मैंने आज जिंदगी में पहली बार खाया परंतु इतना ज्यादा अच्छा है ये मांस कि अगर तुम भी खाओगी तो तुम भी बहुत ज्यादा तारीफ करोगी इसकी अच्छा ऐसी बात है तो फिर मैं भी खा के देखती हूँ ये मांस फिर मीनू चिड़िया भी वे मांस खा कर देखती है तो मीनू चिड़िया को भी वे मांस काफी ज्यादा पसंद आता है अरे हाँ कल कवि ये मांस तो काफी ज्यादा स्वादिष्ट है हम पक्षी तो पागल थे जो हम रोजाना दाल चावल खाते थे हमें तो पता ही नहीं था कि मांस इतना ज्यादा स्वादिष्ट होता है अरे अरे, अरे पक्षियों आप सभी ये मांस खाकर देखो आप सबको भी बहुत पसंद आएगा फिर सारे पक्षी मिलकर उस मांस के टुकड़े को खाने लगते हैं। अब तो सब पक्षियों को मांस खाने की आदत लग गई थी पक्षियों आज पता लगा कि मांस इतना ज्यादा स्वादिष्ट होता है परंतु आज तो हमें मांस का टुकड़ा मिल गया आगे से हम पक्षियों को मांस कहाँ से मिलेगा हम पक्षी तो एक दूसरे का कर शिकार करके मांस नहीं खा सकते क्योंकि हम पक्षी तो दोस्त हैं। वैसे कालू कवि हमें चीलों ने बहुत परेशान किया है हमारे कितने पक्षियों को चीले मार कर खा चुके हैं मैं तो कहती हूँ अब हमारी बारी है मैं तो कहती हूँ कि हम सब पक्षी मिलकर चीलों का कर शिकार करते हैं और चीलों को मार कर उनका मांस खाते हैं। हाँ मीनू चिड़िया ये ठीक रहेगा चीले हमारा शिकार करती थी ना अब से हम उनका शिकार करेंगे और उन्हें मार कर उनका मजेदार मांस खाएंगे पक्षियों हमारे जंगल के पहाड़ी इलाकों में जो चीलों का परिवार रहता है मैं तो कहता हूँ कि आज ही जाकर हम सब पक्षी उन चीलों पर हमला कर देते हैं हाँ पक्षियों ये ठीक रहेगा मैं तो कहता हूँ कि मीनू चिड़िया और मैं बड़ा सा जाल लेकर जाते हैं और उन पक्षियों को कैद कर लेते हैं जाल में और पीछे से तुम कबूतर अपनी टैक्सी लेकर आ जाना हम उन सारी चीलों को तुम्हारी टैक्सी में डालकर अपने जंगल में ले आएंगे तो ठीक हो गया पक्षियों मैं और कालू कौवा अभी जाते हैं और जाकर चीलों को जाल में कैद कर लेते हैं ये कहकर मीनू चिड़िया और कालू कौवा दो बड़े बड़े जाल लेकर पहाड़ी इलाके में चले जाते हैं कालू कवि वो देखो वो रहा हमारा पहला शिकार चलो चलकर उन चीलों को अपने जाल में कैद कर लेते हैं हाँ मीनू चिड़िया पर याद रहे कि ये चीले हमें ना देख लें वरना ये तो हमें यही मार कर खा जाएंगी फिर कालू कौवा और मीनू चिड़िया छुपके छुपके उन चीलों के पास जाते हैं और अपने जाल उन चीलों पर फेंक देते हैं जिससे वे चीले जाल में कैद हो जाती हैं। मामा मामा ये क्या हो गया मैं जाल में कैसे कैद हो गया हम पर लगता है किसी ने हमला कर दिया ए चिड़िया मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुमने मुझे जाल में कैद कर लिया पही निकालो मुझे बाजू चील जैसे तुम्हें हम पक्षियों का मांस खाना पसंद है ना वैसे ही अब से हम पक्षियों को भी तुम चीलों का मांस खाना बहुत ज्यादा पसंद है इसीलिए अब हम पक्षी तुम चीलों का शिकार करेंगे और तुम्हारा मांस खाकर हम अपना पेट भरेंगे हाँ बाजू चील वैसे भी अब हमारे जंगल में भोजन नहीं मिलता इसीलिए हम पक्षियों ने यही सोचा है कि हम पक्षी तुम चीलों का शिकार करके तुम्हारा मांस खा कर अपना पेट भरेंगे क्या तुम पक्षी हमें मार कर खाओगे तुम पक्षियों की इतनी हिम्मत एक बार मुझे बाहर आने दो फिर देखो तुम पक्षियों की तो खैर नहीं अरे बाहर निकालो हमें कालू का बाहर निकालो हमें बस तभी कबूतर अपनी टैक्सी लेकर वहाँ पर आ जाता है और सब पक्षी मिलकर उन चीलों को उस टैक्सी में डाल देते हैं और कबूतर उन चीलों को लेकर अपने जंगल चला जाता है अरे वाह 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 तीन तीन चीले मीनू चिड़िया तुमने तो आज पहले ही शिकार में तीन तीन चीलों को पकड़ लिया कमाल कर दिया कमाल कर दिया मीनू चिड़िया बहुत भूख लगी है चलो ना इनमें से किसी एक चील को मारकर हम सब पक्षी मिलकर खाते हैं चलो सबसे पहले हम सब पक्षी मिलकर इस चील को मारकर खाते हैं क्योंकि इसका मांस मुझे कुछ ज्यादा ही स्वादिष्ट लग रहा है फिर सारे पक्षी मिलकर नन्हे चील को जाल से बाहर निकालते हैं। मेरे बच्चे को कुछ ना करना छोड़ दो इसे, छोड़ दो इसे। मुझे मार कर खा लो तुम सब हाँ हाँ छोड़ दो मेरे बच्चे को मेरे बच्चे को छोड़ दो वे पक्षी बाजू चील की बात नहीं सुनते और नन्हे चील को मार कर उसका मांस खाने लगते है नहीं ऐसा नहीं हो सकता ऐसा नहीं हो सकता मेरा बच्चा नहीं ऐसा नहीं हो सकता तुम पक्षियों ने मेरे साथ बहुत गलत किया है नहीं छोड़ूंगी तुम सब पक्षियों को अरे बेटा ये तुम्हारी मम्मा को क्या हो गया ये इतनी जोर जोर से क्यों चीख रही है बाबा लगता है मम्मा कोई सपना देख रही है मैं अभी इन्हें उठाता हूँ मम्मा उठो, उठो उठो क्या हो गया आपको उठो नन्हे चील की आवाज़ सुनकर बाजू चील फौरन से उठती है तो उसे पता लगता है ये सारा कुछ तो सिर्फ और सिर्फ एक सपना था इसका मतलब ये सब एक सपना था पाप रे कितना भयानक सपना देखा मैंने अरे पत्नी जी ऐसा भी क्या सपना देख लिया तुमने सारा हमें भी तो बताओ फिर बाजू चील अपना सपना अपने पति को बताती है अरे क्या फजूल के सपने देखती हो भला पक्षी भी कभी हमारा शिकार कर सकते हैं क्या नहीं नहीं पति जी ऐसा हो सकता है क्योंकि भूख तो कुछ भी करवा सकती है अगर पक्षियों के जंगल में भोजन खत्म हो गया तो पक्षी देखना हमें ही मार कर खाएंगे अरे लेकिन किसने कहा तुमसे कि पक्षियों को उनके जंगल में भोजन नहीं मिल रहा मेरे बेटे नना चील तुम जाओ और जाकर जंगल में देख कर आओ कि जंगल में कहीं भोजन का कह तो नहीं पड़ गया ना अच्छा मम्मा मैं अभी देख कर आता हूँ नना चील बस वहाँ से जाने ही लगता है कि अचानक उन चीलों पर बड़े बड़े जाल आकर गेते हैं अरे बाप रे ये क्या हो गया मेरा सपना तो सच हो रहा है मैं तो सच में जाल में कैद हो गई। बाजू चील हम पक्षियों ने तुम्हें जाल में कैद किया है और अब तुम चीलों की खैर नहीं अरे बाप रे पत्नी जी तुम्हारा सपना तो सच हो रहा है इसका मतलब अब हम चीलों की खैर नहीं देखो चिड़िया हम चीलों को हल्के में मत लेना हम चीले बहुत ताकतवर है अगर मैं अपने पर आ गई ना तो तुम पक्षियों की खैर नहीं अरे जाओ जाओ बाजू चील अब तुम तो हमारे जाल में कैद हो अब तुम कुछ नहीं कर सकती बस तभी कबूतर अपनी टैक्सी लेकर वहाँ पर आता है और सपने की ही तरह वे चीलों को अपनी टैक्सी में डालकर ले जाता है चिड़िया ये मुझे कहाँ आई हो तुम और ये तुमने मेरे आँखों पर पट्टी क्यों बांधी हुई है हाँ हाँ हमारी आँखों से पट्टी खोलो आखिर ये हमारे साथ क्या हो रहा है कालू कौवे चीलों की आँखों से पट्टी खोलो फिर कालू कौवा का उन चीलों की आँखों से पट्टी उतारता है जब वे चीलें देखती हैं तो वे तो हैरान ही रह जाती हैं क्योंकि सब पक्षियों ने तो नन्हे चील के जन्मदिन की तैयारियाँ की हुई थी नन्हे चील तुम्हें तुम्हारा जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक हो वाह भाई तुम पक्षी तो मेरे बेटे का जन्मदिन मना रहे हो मैं तो कुछ और ही समझी थी अच्छा बाजू चील तुम क्या समझी थी अरे अरे नहीं नहीं कुछ नहीं जाने दो वो सब हाँ हाँ जाने दो वो सब पक्षियों तुम सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि तुम सब पक्षियों को मेरे बेटे का जन्मदिन याद था देखा मामा पापा आप दोनों मेरा जन्मदिन भूल गए थे परंतु ये पक्षी कितने अच्छे हैं कि इन्हें मेरा जन्मदिन याद था फिर नना चील खुशी खुशी केक काटता है और सब पक्षी खुशी खुशी नन्हे चील का जन्मदिन मनाते हैं इस तरह बाजू चील का सपना सच नहीं होता और सब कुछ ठीक हो जाता है